हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संध्या किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरबी की सब्ज़ी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है, ग्रेवी वाली भी बनती है और बिना ग्रेवी की भी बनती है। मैं आपको बिना ग्रेवी वाली बताऊँगी। ये मैंने अरबी लिया है, जो मैंने छील के रख लिया है, इसे नमक पानी से भी धो के रख लिया है। अब मैं सामग्री बताती हूँ। एक प्याज कट करके रखे हैं, एक टमाटर मैंने कट करके रखे हैं, और ये दो हरी मिर्ची और लहसुन कुछ कलियाँ हैं, और एक टुकड़ा अदरक का मैंने रखा है, जो मैं पेस्ट बनाऊँगी। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, और ये 1 चम्मच चाट मसाला है, या आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। ये 2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। ये नमक मैंने स्वाद अनुसार कर, तेज़पत्ता, और 1 चम्मच पचफोरन मैंने लिया है। ये हींग थोड़ी सी लिया है। अब मैं चलिए स्टार्ट करती हूँ बनाना। मिर्ची अदरक का मैं पेस्ट तैयार करती हूँ। मेरा पेस्ट तैयार हो गया है, इसको मैं निकाल के बाउल में रख लूँगी। अभी मैंने पैन गरम किया है, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब इसमें मैं पचफोरन डालूंगी। दो तेज़पत्ता मैं डालूंगी। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज एक छोटे छोटे चॉप करके मैं इसमें मिला दूंगी। अब इन सबको एक साथ मैं भून लूंगी। प्याज में जब अच्छे से भून जाएंगे, तब मैं जो अरबी को मैंने छील के धो के काट के रखा है, उसको मैं इसमें डाल के मैं फ्राई करूँगी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये। सूखे मसालेदार वाली सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। इसकी मसाले वाली भी सब्ज़ी बनती है, ग्रेवी वाली भी सब्ज़ी बनती है। ये मैं इसमें अरबी को मैं डाल दूँगी, और डाल के मैं इसको अच्छे से मैं चलाऊंगी। जितने अच्छे से आप अरबी को भूनेंगे, उतना ये कुरकुरा बनेगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी। ये देखिए, इसको बीच में चलाते मैं रहूंगी। इसका जो पानी है वो धीरे धीरे पानी सूख जा रहा है। अभी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो पानी सारे इसके सूख जाएंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे और ये अच्छे से भून जाएंगे। और कम से कम 10 मिनट हमने इसको भूना है। ये देखिए कितने अच्छे से भून गए। अब मैं इसमें एक टमाटर जो मैंने काट के रखे थे, मैं उसमें मिलाऊंगी, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डालूंगी। ये मैं हल्दी पाउडर में डालूंगी। ये चाट मसाला पाउडर है, आप आमचूर भी ले सकते हैं। लाल मिर्चा पाउडर इसमें सब मिक्स में कर दूंगी। ये गरम मसाला पाउडर। अभी सारे मसालों को मैं अच्छे से मैं भूनूंगी। थोड़ा सा मैं हींग डाल देती हूँ ऊपर से, जिससे खुशबू आएगी सब्ज़ी में। 2 मिनट में ढक के उसके बाद में इसमें नमक स्वाद अनुसार मिलाएंगे। अब मैं सारे मसालों को मिश्रण जो है अच्छे से मैं मिला लूँगी, जैसे अरबी के साथ मसाले अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए मसाले भून रहे हैं मेरे धीरे धीरे। इसको मैं अच्छे से चला लूँगी। बहुत ही टेस्टी चटपटी सब्ज़ी बनती है ये, सूखे मसाले वाली सब्ज़ी है। अगर आपको ग्रेवी बनाना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए मैं पकाऊँगी। मेरी सब्ज़ी जो है अच्छे से भून के तैयार होगी। देखिए कितने अच्छा कलर आया है। बहुत ही अच्छे तरह से मसाले भून गए हैं और सब्ज़ी भी अच्छे से पक गई है। बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्ज़ी लगती है। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल के रख लूँगी और मैं सर्व करूँगी। देखिए कितनी टेस्टी सब्ज़ी बनी हुई है। आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिए और पूरी पराठे के साथ खिलाइए सबको।